मित्रों, मैं हूं बैजनाथ प्रजापति। मेरे चैनल ब्लैक पॉटरी निजामाबाद में आपका हार्दिक स्वागत है। यह है वही ब्लैक पॉटरी है जो विश्व प्रसिद्ध है, जहां की मिट्टी का बर्तन महारानी एलिजाबेथ किसी जमाने में ले गई थी और बहुत ज़्यादा तारीफ की। यहां पर नेशनल अवार्ड है, स्टेट अवार्ड तो गिनती ही नहीं है और जिले स्तर के अवार्ड तो घर घर पर है। लेकिन आज यह पॉटरी उद्योग बिल्कुल आखिरी पायदान पर खड़ा है, इसके बाद ये नष्ट होने के कगार पर है। और ये वही पॉटरी है जो भारत की एक विरासत है, अपने देश की विरासत है, उसको संजो करके लेकर चलने वाले आर्टिजन मेरे साथ हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस विरासत को लेकर चल रहे हैं। लेकिन आज मैं कह रहा हूँ कि आखिरी पायदान पे है, इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी समस्या इस उद्योग के लिए है तो वह है मिट्टी। कच्चे माल के रूप में मिट्टी का इस्तेमाल होता है और मिट्टी की समस्या एक विकट समस्या इस उद्योग के लिए है। आज नहीं तो कल यह उद्योग निश्चित तौर पर नष्ट हो जाएगा, भारत की विरासत नष्ट हो जाएगी अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो। सरकार ध्यान दे रही है, ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत सारे प्रोग्राम चला रही है, लेकिन सरकार का ध्यान रॉ मटेरियल यानी कच्चे सामान की तरफ नहीं जा रहा है जो मिट्टी के रूप में प्रयोग होता है। और ये जो कस्बा निजामाबाद है, एक नगर पंचायत क्षेत्र है जहाँ पर पोखरियाँ या तालाब नहीं है, चूँकि नगरी हो जाने के कारण यहाँ पर जो भी रहे होंगे सब आवासीय हो चुके हैं, तो ये दूसरे गाँव में जा करके पोखरियों से तालाब से मिट्टी लेते हैं। आज कंडीशन ये है कि इनकी निश्चित व्यवस्था नहीं है कि ये मिट्टी ले सके। मैं ये वीडियो इस समय बना रहा हूँ जिस समय द्वारिका में समुद्री तूफान टकराया होगा और वहाँ पे इतना तबाही मची होगी और यहाँ पे क्या कंडीशन है, मात्र 4-5 दिन में यहाँ मानसून आ जाएगा और ये मिट्टी नहीं मिल पाएगी, तो यहाँ के सारे लोग जितने कारीगर हैं, चाहे वो नेशनल अवार्ड हो, स्टेट अवार्ड या जो भी हो, अपने देश के लिए जो शान है, जो ऐसे अपने उंगलियों की कला से सबको लुभाते हैं, वो बेकार हो जाएंगे। मात्र 5 या 4 दिन का समय बचा हुआ है। किन्हीं कारणों से बहुत प्रयास के बाद आज हम तहसील मुख्यालय पर आए हुए हैं, मिट्टी की डिमांड कर रहे हैं और यहाँ के लोगों ने मिट्टी देने का आश्वासन दिया है और हम इंतजार कर रहे हैं कि कहाँ से मिट्टी देंगे। तो मुझे विश्वास है कि अधिकारी बंधु लोग सहयोग कर रहे हैं और हमें मिट्टी दिला के ही रहेंगे और दिलाएंगे। इसी आशा के साथ हम इतने कारीगर जो है आज तहसील प्रांगण में उपस्थित हैं और इसी आशय के साथ कि मिट्टी मिल जाए। और मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी से प्रार्थना करूंगा, गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे वीडियो को इतना शेयर करें कि मेरी आवाज़ सरकार तक जाए और सरकार इस उद्योग को चलने के लिए एक सुनिश्चित व्यवस्था दे, ताकि ये पॉटर्स जहां चाहें एनी टाइम आप मिट्टी ले सके, ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए तो इसका उज्ज्वल भविष्य हो जाएगा। जब भविष्य उज्ज्वल होगा तो आने वाली पीढ़ी भी इसमें रुचि लेगी, अन्यथा ये उद्योग बिल्कुल आखिरी पायदान पर है। जय हिंद मित्रों, वंदे मातरम।